top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. उनके कमरे में बैठक हुई थी, उसमें तीन सवाल पर समूचे विपक्ष को, एक तो किसान वाला रैली था, बरसात के कारण वो नहीं हो पा, फिर बेकार बेरोजगारी पर भी एक रैली करने का, और एक जो है वो हिंदुस्तान का जो प्रियम्बल है संविधान का, उस प्रियम्बल को आधार बना करके तो सेव द कंपोजिट कल्चर, उसको हिंदी में साझा विरासत बचाओ सम्मेलन, सेव कंपोजिट कल्चर, प्रियम्बल में ये सब चीज है। साझा विरासत बचाओ सम्मेलन, दिल्ली और पंजाब में उसको सांझी कहते हैं, सांझी विरासत बचाओ सम्मेलन। इस देश में हिंदुस्तान का जो बंटवारा हो गया उसमें लगभग 15 लाख लोग, 10 से 15 लाख, सरकार 10 लाख कहती है, दुनिया में कहीं ऐसा बंटवारा नहीं हुआ कि आबादी करोड़ों की उस देश से इस देश में आ गई, उस देश से उस देश में आ गई, इतनी बड़ी त्रासदी देश ने भोगी। इसके बाद हिंदुस्तान के संविधान बनाने वाले जो हमारे पुरखे थे, जवाहरलाल जी से लेकर के सरदार पटेल से लेकर के मौलाना आजाद बना, इसलिए संविधान बना इतने अंतर विरोधों से भरा हुआ कोई देश नहीं, रीजन है, रिलीजन है, लैंग्वेज है, कास्ट है, पंथ है, इस्लाम में मजार हैं, मस्जिदें हैं, यानी दुनिया में इतने अंतर विरोधों से कई, इसलिए साझा एक गांव लगा लो, कहीं चले जाओ देश, एक गांव में 25 कास्ट होती, 30 होती, 40 होती, एक गांव जो है बगैर सहयोग के साझा के चल नहीं सकता। इसलिए कल 17 तारीख को ये किसी के खिलाफ ने देश के हक में सम्मेलन बनाया, ये भारत के हक में है, हिंदुस्तान के 125 करोड़ जिनकी बात कर रहे हैं लोग, उनके हक में, ये भारत के हक में, हिंदुस्तान के हक में ये सम्मेलन मैंने कल जो है वो लोगों ने जिम्मेदारी दी थी कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, आ तो सब रहे उसमें, मैंने सबसे बात की है, उसमें किसान आएंगे, आदिवासी आएंगे, उसमें दलित आएंगे, उसमें बुद्धिजीवी और पत्रकार से लेकर के जो लोग हैं देश को समझने और सोचने वाले और साझा विरासत को मानने वाले सारे लोगों को कल मैंने बुलाया। हाल छोटा है, इंडोर स्टेडियम मुझको नहीं मिला, जो हाल मिला है वो बहुत छोटा है, तो इसलिए ये जो सम्मेलन है ये साझा के बगैर हमारा देश और मुल्क चल नहीं सकता। प्रधानमंत्री जी ने कल जो कहा है कि आस्था के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मैं उनकी इस बात पे ये निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस नारे को आस्था के नाम पर किसी तरह की भी हिंसा को जो उन्होंने कहा है वो अपनी सरकारों से कहें, और हम भी पूरा सहयोग करेंगे। ये सम्मेलन जो है वो अकेला यही नहीं होगा, ये लखनऊ में होगा, ये पटना में होगा, ये इंदौर में होगा, ये नागपुर में होगा, ये सब जगह मैं इस सम्मेलन को करने का काम करूंगा। देश भर में
फिर से हिंदुस्तान के संविधान का जो प्रियम्बल है उसे देश के जन जन तक पहुंचाने का काम हम पूरे देश को घूम के करेंगे। ये सारा इसमें लिखा है, इसलिए कि हिंदुस्तान का संविधान जो है आज हत्या हो रही है, किसानों की आत्महत्या हो रही है। आज आंध्र प्रदेश का रोहित बेमुला ये अनाउंस करके घोषित करके जाता है दलितों का उड़ा में, रोहित बेमुला अनाउंस करके घोषित करके जाता है इस देश में किसी का दोष नहीं है, मेरा जन्म यानी दलित में जो पैदा हुआ, बाबा साहब जिस दिन पर लड़े 70 बरस की आजादी के बाद एक नौजवान बड़ी कठिनाई से गरीबों में निकलता है, वो कहता है कि मेरा जन्म ही मेरा गुनाह। जो यूनिवर्सिटी जिसने देश के 1/4 ब्यूरोक्रेट्स दिए होंगे, कई आपका सीताराम येचुरी से लेकर के कई नौजवान जो है सुधीर भदौरिया आपके कई लोग प्रकाश कारक कितने तरह के लोग नेता यहाँ से निकले, तो बहुत विस्तार में नहीं जाता मैं। सर जी एक सवाल है कि क्या ये जो आपको याद आया कि संविधान में इस तरह संविधान ठीक से स्थापित नहीं हो रहा, ये महागठबंधन टूटने के बाद अगले नंबर को निकालने के बाद आपको नेता पद से हटाने के बाद ख्याल आया या पहले से आप चले आ रहे थे इस बात? नहीं, ऐसा है ना, मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि आज का फैसला नहीं है, इसका किसी चीज से वास्ता नहीं, और आप इस पत्रकार भी हैं रोज देखते हैं, ये साझा विरासत का जिक्र एक दिन का नहीं है। पार्लियामेंट में सीताराम येचुरी बोला, आनंद शर्मा बोला, कितने दिन से ये बात चल रही, और साझा विरासत ये सारी जो बात बोल रहे हैं उससे बड़ी चीज वो खतरा तो बहुत बड़ा शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन संविधान के साथ इधर उधर से छेड़खानी हो रही, इधर उधर से छेड़खानी चल रही।